हमने पिछले टॉपिक में कवर किया था कि हम पसीने की बदबू को किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं, तो बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि जी हीट रैश को हम कैसे कंट्रोल करें, स्वेट रैश को हम कैसे कंट्रोल करें। तो आज हम इससे रिलेटेड सारी बातों को कवर करेंगे, इसकी प्रिवेंशन के लिए हम तरीकों को डिस्कस करेंगे और इसके क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन हैं उस बारे में बात करेंगे। तो जनाब, इस किस्म की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए और अपडेटेड रहने के लिए आप सब्सक्राइब करें मरहम के यूट्यूब चैनल को। जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर हुमा सलीम। आई एम कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट करंटली प्रैक्टिसिंग एट होलिस्टिक केयर क्लिनिक DHAY ब्लॉक लाहौर। तो जनाब, बहुत सारे लोग ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि डिटेल में बात की जाए हीट रैश के मुतल्लिक, और जैसे कि आजकल का मौसम है बहुत ज़्यादा हॉट और ह्यूमिड, जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो स्वेटिंग की वजह से रैश का अंदेशा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जी ये होता क्यों है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, प्रिवेंट कैसे करें और ट्रीट कैसे करें, सारी बातों को आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या आप मरहम की सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं? तो आज ही गूगल करें हेल्प मी मरहम और घर बैठे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट बुक कराएं, या फिर ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू अपने डॉक्टर से ऑनलाइन बात करें और मेडिसिन और लैब टेस्ट के ऊपर डिस्काउंट भी हासिल करें। तो हीट रैश कैसे प्रेजेंट करता है? देखिए, जब हमें इस गर्म मौसम में और इस ह्यूमिड वेदर में स्वेटिंग जब बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसे हमारी बॉडी के पार्ट्स जहाँ पे दो सर्फेसिस के बीच में रगड़ होती है, फ्रिक्शन होती है, जैसे कि हमारी बगलें हैं, टांगों के दरमियान की जगह हैं, बच्चों में जैसे डाइपर रैश ये वाली जगह हैं, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं गर्मी के मौसम में। और जो हमारा स्वेट है उसका कॉन्टेंट सॉल्टी होता है, जब वो सर्फेस के ऊपर वो एवेपोरेट नहीं होता, वहीं पर रह जाता है, तो वो उस जगह को इरीटेट करके वहाँ पर रैश देता है। रैश किस तरह से आपको पता चले कि जी ये हीट रैश है? एक रेड सी इन्फ्लेम्ड सी रेस सी जगह बन जाती है, छोटे छोटे से आपको रेड बम्प्स फील होते हैं, उसमें आपको माइल्ड सी इचिंग फील होती है, थोड़ी सी बर्निंग सेंसेशन फील होती है। लेकिन आमतौर पे अगर हम नहाएं या हम उस जगह को क्लीन करें, वेल वेंटिलेट करें, एरी क्लोथ्स पहने, या हम वहाँ से उठ के एक ऐसे वेदर में आ जाएँ जहाँ पर टेम्परेचर बेहतर है, मतलब फ़ैन के नीचे एसी के नीचे हम आ जाएँ, तो हम काफ़ी हद तक बेहतर हो जाते हैं। लेकिन कभी कभार कुछ केसेज ऐसे होते हैं कि उसमें 3 से 4 दिन लग जाते हैं हीट रैश को कवर होने में, तो दिस इज़ प्रीटी नॉर्मल। हाँ, लेकिन आपको लगता है कि आपका हीट रैश इससे ज़्यादा देर तक रहता है, आपको बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट देता है, आपको बर्निंग सेंसेशन बहुत ज़्यादा होती है, इसके साथ पेन भी महसूस होता है और इचिंग भी महसूस होती है, तो इसका मतलब ये है कि आपको हीट रैश ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है या रिएक्ट ज़्यादा कर रहा है, तो इसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। अब वजूहत क्या क्या हो सकती हैं? देखिए, एक तो आपकी स्किन टेंडेंसी ही ऐसी है कि उसके ऊपर आप ईजिली रिएक्ट कर जाते हैं, जैसे कि एक्जिमा एक स्किन कंडीशन है, स्किन स्टेट है, जिसमें हमारी स्किन कंडीशन ऑलरेडी बहुत ड्राई होती है, तो जो स्वेट का फ्लूइड होता है उसका मटेरियल होता है, उसकी वजह से हमें इरिटेशन एलर्जी बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी हो जाती है, तो उसकी वजह से हमारा जो हीट रैश का मसला है वो आम लोगों से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद एक वजह ये हो सकती है कि जी हम बहुत ज़्यादा इल फिटेड क्लोथ्स पहने, बहुत फिटिंग वाले अगर कपड़े हों, डार्क कलर के क्लोथ्स हों, प्रॉपरली एयरी मतलब उसमें वेंटिलेशन नहीं हो पा रही, तो वो भी एक वजह है जिसकी वजह से हमें हीट रैश हो सकता है। तीसरा है कि कोई ऐसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी स्किन इरिटेट हो रही है, और इसके अलावा कुछ और स्किन कंडीशंस हैं जैसे कि सोराइसिस है कुछ, उसकी वजह से भी। फिर अगर हमें मौका नहीं मिल पाता, डेली हम वॉश नहीं कर पाते, शॉवर नहीं कर पाते, या कोई ऐसा ड्यूड्रेंट एंटी प्रेस्पिरेंट हम यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी स्किन पे एलर्जी हो रही है, तो ये वो रीजंस हैं जिसकी वजह से हीट रैश आम लोगों से ज़्यादा हो सकता है, हमें ज़्यादा इरीटेट कर सकता है। ठीक है, ऐसे केस में हमें क्या करना है? ऐसे केस में हम अपने डॉक्टर की रिकमेंडेशन से कोई एंटी एलर्जिक ले सकते हैं जिसको हम वंस डेली जब तक हमारे सिम्टम्स बहुत स्वेयर हैं उसको यूज़ कर सकते हैं। हम सूदिंग लोशन इस्तेमाल कर सकते हैं, सूदिंग लोशन ऐसा जो हमारी स्किन टेंडेंसी के हिसाब से हमें एडवाइस किया जाए, वो हमारी स्किन को मजीद इरिटेट ना करे। इसके अलावा कुछ केसेस में हमें शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए माइल्ड लगाने के लिए स्टीरॉइड्स भी दिए जाते हैं, तो उससे भी वो केसेस जो आमतौर पे कवर नहीं होते वो उससे कवर हो जाया करते हैं। अगर इससे इन सारी चीज़ों से आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता और आपको लगता है कि जो आपका हीट रैश है उसमें डीप नोड्यूल्स हैं, जैसे कि गिल्टियाँ हैं, ऐसे महसूस होता है, आपको लगता है उसमें से पस डिस्चार्ज होता है, या आपको लगता है कि उसके साथ आपको बुखार हो गया, या ये मसला ठीक नहीं हो रहा, तो ऐसे केस में यू नीड टू सी योर डॉक्टर। हो सकता है कि आप जिसको हीट रैश समझ रहे हो वो हीट रैश ना हो बल्कि इसकी जगह वो कुछ और, तो उस केस में प्रॉपर डायग्नोसिस बनना ज़रूरी है और उसको अकॉर्डिंगली ट्रीट किया जाएगा। और इसके अलावा आप कोशिश करें कि आप ऐसे गर्म मौसम में आपको जब जब मौका मिले आप ख़ुद को वेल वेंटिलेटेड माहौल में लेके आएँ, कपड़े एरी पहने, लाइट कलर के क्लोथ्स पहने, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। जो हमारा फ्रेश लाइम है, एज इन पानी के अंदर थोड़ा सा नमक और लीमू, ये बहुत अच्छा
अच्छा एक एनर्जी बूस्टर ड्रिंक है गर्मियों के लिए। दूसरा, हमारे घरों में जो हमारे देसी माहौल में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है जी लस्सी, वो भी बहुत अच्छा एक ड्रिंक है। वो नेचुरली हमारे जो सारे सॉल्ट्स हमारे स्वेटिंग की वजह से लूज़ होते हैं वो उनको मेनटेन करता है, तो हमारी स्किन की हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। और इसके अलावा हमारी कुछ मेडिकेशंस भी ऐसी होती हैं जो हमारी स्किन को इतना सेंसिटिव बना देती हैं, जैसे कि रेटिनॉइड्स अगर हम कुछ पेशेंट्स ले रहे होते हैं, कुछ एंटी हाइपरटेंसिव जैसे होते हैं जिसकी वजह से हमारी स्किन जल्दी एलर्जी की तरफ चली जाती है। तो ऐसे केस में ये देखना ज़रूरी है कि वो कौन सा ऐसा फैक्टर है, ट्रिगरिंग फैक्टर है जो आपकी स्किन को बार बार रिएक्शन की तरफ लेके जा रहा है। इसके अलावा भी आपके जहन में ही ट्रैश से रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप मुझसे अपने बालों के, नाखनों के, जिल्द से रिलेटेड किसी भी किस्म के मसले के लिए मेरी कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप मरहम के प्लेटफॉर्म के थ्रू मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं या पर्सनली मेरा क्लिनिक विजिट कर सकते हैं, विच इज़ लोकेटेड इन डिफेंस 5 ब्लॉक बाय द नेम ऑफ होलिस्टिक केयर क्लिनिक। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।